नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के 50 मार्क्स इंग्लिश जो है उसी का एक दूसरा चैप्टर है ये विथ द फोटोग्राफर। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है आवर ओन सिविलाइजेशन CEM जोड़ के द्वारा लिखा हुआ, उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और समरी और उसका क्वेश्चन आंसर सब कुछ अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फोटोग्राफर जो कि लिखा हुआ है स्टीफन लीकॉक के द्वारा। इस चैप्टर का समरी देखिए, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में स्टीफन लीकॉक वेंट टू अ स्टूडियो टू गेट हिज फोटोग्राफ टेकन। ये फोटोग्राफ टेकन। इस चैप्टर में स्टीफन लीकॉक जो राइटर है ये एक स्टूडियो में जाते हैं, किस लिए? अपना फोटो खिंचवाने के लिए। सीधा सा बात है, एक स्टूडियो में जाते हैं अपना फोटो खिंचवाने के लिए, ठीक है। और द फोटोग्राफर वाज इन अ ग्रे सूट सेड सिट डाउन एंड वेट। और जो फोटोग्राफर था वो ग्रे सूट में था, उसने एक सूट पहना हुआ था ग्रे कलर का, एंड उसने कहा कि सिट डाउन, बैठिए और वेट कीजिए थोड़ा देर। तो जितना देर लेखक ने वेट किया, लगभग एक घंटे करीब में लेखक ने वेट किया, और वहाँ पे जो भी मैगजीन्स थे लेखक ने एक घंटे उन मैगजीन्स को पढ़ा, और आफ्टर एन आवर एक घंटे के बाद द फोटोग्राफर कॉल्ड हिम, फोटोग्राफर ने उसको बुलाया। इस चैप्टर में बस हम लोग मेन पॉइंट को कवर करेंगे जिससे हमारा कहानी हमको समझ में आ जाए, ठीक है ना। हमारी कहानी समझ में आ जानी चाहिए हमको। तो फोटोग्राफर ने बुलाया लेखक को और ही वेंट इन टू द स्टूडियो, लेखक जो है स्टूडियो में गए, एंड सेट डाउन इन अ बीम ऑफ सनलाइट, और बैठे एक कुर्सी पे उनको बैठाया गया जहाँ पे बहुत ही कम प्रकाश आ रही थी। बीम ऑफ सनलाइट, बीम का मतलब होता है किरण, ठीक है, प्रकाश की जो किरणें आती हैं। तो जिस कमरे में लेखक को बैठाया गया वहाँ पे प्रकाश की बहुत ही कम किरणें आ रही थी। द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन इन टू द मिडल ऑफ द रूम एंड ग्लैडर्ड इन टू इट एंड मेड एडजस्टमेंट। जो फोटोग्राफर था वो एक मशीन लेकर के आया एकदम रूम के मिडिल में, और उसने फोटो को खींचने के लिए उस मशीन को एडजस्ट किया, उसको सही तरीके से एडजस्ट किया जिससे एक अच्छा सा फोटो निकाला जा सके ऑथर का। और इसके बाद क्या हुआ? देन ऑथर्स मेड बैड कमेंट्स। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे द फोटोग्राफर होगा, यहाँ पे होगा फोटोग्राफर, ठीक है। तो देन फोटोग्राफर्स मेड बैड कमेंट्स अबाउट ऑथर्स फेस। जब वो फोटो खींच रहा था फोटोग्राफर, तो उसने लेखक के चेहरे के बारे में बहुत गलत कमेंट किया। उसने कहा, जैसे उसने कमेंट किया कि आपका जो चेहरा है ये लगभग पूरा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब चेहरा है आपका, बढ़िया चेहरा नहीं है आपका, अच्छा होता कि ये चेहरा 3x4 होता, 3x4 के हिसाब से होता, ठीक है। तो उसने उनके चेहरे के बारे में गलत कमेंट किया, आपका चेहरा ऐसा है वैसा है, है ना। और उसने जो है ही पॉइंट आउट डिफेक्ट्स इन ऑथर्स हेड, उसने लेखक के हेड में, आई में, और भी जो दूसरे लिम्स थे, लिम का मतलब अंग होता है, तो लेखक के अधिकांश अंगों के बारे में उसने गलत कमेंट किया कि आपका आँख इस तरीके का है, ऐसा होना चाहिए, आपके कान इस तरीके के हैं, ऐसा गलत कमेंट उसने किया। और इसके बाद द ऑथर सेड, लेखक ने कहा
कि दिस फेस इज माइन, ये चेहरा मेरा है, नॉट योर्स, ये चेहरा मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है. आई हैव लिव्ड विथ इट फॉर 40 ईयर्स एंड आई नो माई फॉल्ट्स. मैं 40 सालों से इसी चेहरे को लेकर के रह रहा हूँ. मैं जहाँ पे रहता हूँ 40 सालों से मैंने कोई मेकअप तो किया नहीं, मैंने अपना चेहरा तो बदला नहीं, मैं इसी चेहरे के साथ 40 सालों से रह रहा हूँ. एंड आई नो माई फॉल्ट्स, मैं जानता हूँ कि मेरे चेहरे में कहाँ कहाँ कौन सी खराबी है. तुम्हारे कहने के हिसाब से कि आपका चेहरा 3x4 क्वार्ट्स का 3x4 होना चाहिए, तो तुम्हारे हिसाब से थोड़े हो जाएगा. मैं इस चेहरे को लेकर के लगभग 40 सालों से रह रहा हूँ और मुझको पता है कि मेरा चेहरा कैसा है. आफ्टर ऑल बाद में हुआ ऐसा कि लेखक जो है वो लगभग खिसला गए थे, वो उठ के जाने ही लगे थे, तभी द फोटोग्राफर वॉज टेकन, तभी फोटोग्राफर ने ले लिया. क्या ले लिया? उनकी फोटो. लेखक का फोटो ले लिया गया फोटोग्राफर के द्वारा. उसके बाद जब फोटोग्राफर से लेखक ने कहा कि फोटो दिखाओ, उसने कहा कि इसमें तो अभी कुछ भी नहीं है, इस फोटो को मैं बनाऊंगा, इसको जो है मॉडिफाई किया जाएगा फोटो को, और ये फोटो आपको मिलेगा शनिवार को. द फोटोग्राफर टोल्ड हिम टू कम ऑन सैटरडे फॉर फोटोग्राफ. फोटोग्राफर ने कहा कि आप शनिवार को आइए, आपको आपका फोटोग्राफ मिल जाएगा. और ठीक शनिवार को, ऑन सैटरडे शनिवार को, ही वॉज शोन हिज फोटोग्राफ. लेखक को उनका फोटोग्राफ दिखाया गया, लेखक को उनका फोटो दिखाया गया. द अथर वॉज शॉक्ड, लेखक जो है वो शॉक हो गया, क्योंकि शॉक होने का रीजन भी था बिकॉज द पिक्चर डज नॉट लुक लाइक हिज ओन फिगर. जो पिक्चर था वो लेखक के चेहरे से मैच ही नहीं कर पा रहा था, उसको इतना ज्यादा मॉडिफाई कर दिया गया था. लेखक को अचानक शॉक मीन्स उसको झटका लगा एक ऐसा, क्योंकि जो पिक्चर बनाया गया था, आप देख ही सकते हैं आज की दुनिया में कि फोटोग्राफर किस तरीके से जो है अलग अलग टाइप्स के फोटो को जो है मॉडिफाई करके इतना सुंदर बना देते हैं. तो उसी तरीके से लेखक के चेहरे के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया था, और उसमें उसका चेहरा जो है, जो ओरिजिनल उसका चेहरा था, उस चेहरा से पिक्चर जो है वो मैच नहीं कर रहा था. द फोटोग्राफर गेव हिज क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण दिया फोटोग्राफर ने. लेखक ने पूछा कि क्यों किया भाई ऐसा, मैंने तो कुछ नहीं कहा था कि मेरे चेहरे को ऐसे करो वैसे करो. फोटोग्राफर ने कहा कि मैंने इसको रिटच किया है, आपका जो चेहरा जहां तहां से बिगड़ा हुआ था, आपका मुंह कुछ ऐसा था, कान कुछ ऐसे थे आपके, तो उन वो चीजें जो आपके लिम्स जो अंग्स जो हैं वो जो बिगड़े हुए थे, अच्छे नहीं दिख रहे थे, मैंने उनको रिटच किया है, मैंने उनको कंप्यूटर की मदद से सुधार दिया. ये क्लैरिफिकेशन आया ये फोटोग्राफर की तरफ से. तो मैंने कहा कि इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर, आपका फोटो जो है बेटर हो, अच्छा हो, इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने आपके चेहरे में बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है बस. देन द अथर सेड दैट ही हैज कम टू गेट अ ट्रू एंड नेचुरल कॉपी ऑफ हिज फेस. तब लेखक ने कहा कि मैं यहां पे अपनी फोटो को मॉडिफाई करवाने के लिए नहीं आया था. वो लेखक कहते हैं कि ही हैज कम टू गेट अ ट्रू एंड नेचुरल कॉपी ऑफ हिज फेस. लेखक कहते हैं कि मैं यहां पे बस इसलिए आया था कि मैं अपने चेहरे का एक नेचुरल कॉपी पाऊं, एक ऐसा फोटोग्राफ हमको मिले जिसमें कहीं भी कोई बदलाव ना हो, और लोग जो है मुझको देख के मेरे फोटो को पहचान जाए कि नहीं, मैं यही, ये मेरा ही फोटो है. एंड टू कीप एज अ मेमोरी आफ्टर हिज डेथ. और मैं चाहता था कि मेरे मरने के बाद इसको मेमोरी के रूप में, इसको स्मृति के रूप में लोग रखें. शायद लेखक जो है वो अपने दोस्तों को देना चाहता था इस फोटो को.
लेकिन जो फोटोग्राफर था उसने फोटो के साथ इतना बदलाव कर दिया था कि वो जो रियल चेहरा था लेखक का उससे वो मैच ही नहीं कर पा रहा था। तब जाके जो लेखक है उन्होंने कहा, द ऑथर सेड, लेखक ने कहा कि ही डज नॉट वॉन्ट टू गेट दिस फोटोग्राफ एंड इट्स निगेटिव। लेखक ने कहा कि मुझको ये फोटोग्राफ नहीं चाहिए और मुझको ये निगेटिव भी नहीं चाहिए। निगेटिव समझते हैं ना, फोटो का निगेटिव मिलता है, ठीक है, जिससे आप चाहे तो दूसरे फोटो निकलवा सकते हैं। तो लेखक ने कहा कि नहीं, मुझको जो है ये फोटोग्राफ भी नहीं चाहिए और मुझको ये निगेटिव भी नहीं चाहिए। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो इस फोटो के साथ करो, तुम्हारी मर्जी है। इस आपके बुक में ये चीज लिखा भी गया है, जहां जहां तुमको जो है गलत लगता है कि नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा होना चाहिए, तुम वैसा अपना करते रहो और तब तक करते रहो जब तक कि तुम खुद जो है सटिस्फाई नहीं हो जाओ कि नहीं अब इसमें कुछ करने के लायक नहीं बचा। तो तब तक तुम इस फोटो को बनाते बिगाड़ते रहो, अपने दोस्तों के साथ दिखाओ, मुझको इस फोटोग्राफ से अब कोई मतलब नहीं है, मैं इन फोटोग्राफ्स को नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मैं बस आया था अपना रियल फोटो के लिए। ही सेड, उसने कहा कि वाई वाज देयर अ नीड टू मेक चेंज इन इट्स फोटोग्राफ एंड ट्राई टू मेक इट लुक बेटर। लेखक ने कहा कि फोटो को अच्छा बनाने की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है उसको अच्छा बनाने की। मैंने तो नहीं कहा था कि मेरे फोटो को आप अच्छा बनाओ, इसको चेंज करो, तो इसको बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इट वॉज क्वाइट गुड एज इट वॉज, ये पहले जैसा था, मेरा चेहरा जैसे था वो वैसे ही बढ़िया था, इसमें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं थी। और द ऑथर्स बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड लेफ्ट द स्टूडियो, लेखक के आंखों में आंसू आ गए और लेखक जो है उसने स्टूडियो लिफ्ट कर दिया, उसने छोड़ दिया अपने फोटोग्राफ्स वहीं पे। और इस तरीके से ये चैप्टर विद द फोटोग्राफर आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।